महाराष्ट्र की फेमस कोथिंबीर वड़ी तो हम सबने खाई होती है। आज वही रेसिपी से इंस्पायर होकर मैं बना रही हूँ मिक्स वेजिटेबल वड़ी। और वड़ी जनरली डीप फ्राई ही होती है, पर हम उसका आज थोड़ा सा हेल्दी वर्जन बनाएंगे। तो मिक्स वेजिटेबल वड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आप देखेंगे तो 1.5 कप जितनी कैबेज ली हुई है, 1.5 कप जितना ही कैरेट लिया हुआ है और थोड़ा सा धनिया लिया हुआ है। अभी आप चाहो तो यहाँ पे पालक और मेथी भी ऐड कर सकते हो। और ये सबको मैंने कद्दूकस कर लिया है। तो मिक्स वेजिटेबल वड़ी बनाने के लिए ये सारी सब्जियों को मैं एक बोल में ले लेती हूँ। अब सब्जियों के साथ ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा अदरक एंड हरी मिर्च। आज ये जो वड़ी बन रही है ये बिना प्याज लहसुन के मैं बना रही हूँ, पर आप चाहो तो वो भी ऐड कर सकते हो। अब ऐड कर देते हैं नींबू का रस और अब कुछ बेसिक मसाले ऐड कर देते हैं। मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी, मिर्ची पाउडर और जाएगा नमक। अब 1 टीस्पून जितनी अजवाइन हम ऐड कर देंगे। वड़ी में अजवाइन की खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है। अब सारी सब्जियों को एक बार मिला लेते हैं। अब ये सब्जियों के मिक्सचर में मैं ऐड कर देती हूँ 3 टेबलस्पून जितनी सूजी। सूजी ऐड करने से वड़ी का टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। और अब ऐड कर देते हैं 2 कप भर के बेसन। अब एक बार मैं ये सारी चीज़ों को मिक्स कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं पानी का इस्तेमाल अभी नहीं करूँगी क्योंकि सब्जियाँ अच्छा खासा पानी ओज़ आउट करेगी और जो वड़ी का वैसे भी बैटर होता है वो बहुत ज़्यादा पतला नहीं होता है, वो गाढ़ा ही होता है। अभी ये वड़ी का टेक्सचर थोड़ा सा सॉफ्ट आए इसके लिए मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चुटकी जितना खाने का सोडा। ये टोटली ऑप्शनल है, आप नहीं ऐड करना चाहो तो भी वड़ी उतनी ही टेस्टी बनेगी। और लास्ट में ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून जितना ऑयल। अब ये वड़ी का मिक्सचर तो बनके रेडी है, तो इसको हम स्टीम करेंगे। उसके लिए मैंने एक प्लेट ली है जिसको ऑयल से हल्का सा ग्रीस कर लिया है। इसको हम अच्छे से फैला लेते हैं। वड़ी बहुत ही ज़्यादा पतली नहीं स्प्रेड करिएगा, वो थोड़ी सी थिक ही खाने में मज़ेदार लगती है। थोड़े से सफ़ेद तिल मैं ऊपर से डाल देती हूँ। अब बारी है वड़ी को स्टीम करने की। हाई फ्लेम पे स्टीम करेंगे और स्टीम होने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स लगेंगे। एक बार वड़ी को चेक कर लेते हैं। वड़ी तो बहुत ही अच्छे से स्टीम हो चुकी है, ये देखिए। और अब वड़ी को हम निकाल लेते हैं और कट करके पीसेस में काट लेंगे। और अब बारी आती है ये वड़ी को थोड़े से ऑयल में शैलो फ्राई करने की। आप चाहो तो डीप फ्राई भी कर सकते हो, एक्चुअल वड़ी तो डीप फ्राई ही होती है। मैं एक पैन में 1 टेबलस्पून जितना ऑयल ले लेती हूँ। ऑयल में ऐड कर देती हूँ थोड़ी सी हींग और थोड़े से सफ़ेद वाले तिल में थोड़े से और भी ऐड कर देती हूँ। और अब ऐड कर देंगे ये कट की हुई वड़ी। ये वड़ी को एक बार हम ऐसे पलटा के भी सेक लेंगे, अच्छी सी क्रिस्पी बन जाएगी। चलिए वड़ी तो बनके रेडी है और एकदम करारी भी बनी है। गर्मा गर्म वड़ी की फटाफट से प्लेटिंग करते हैं। ऊपर से ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा धनिया। तो तैयार है हेल्दी टेस्टी प्रोटीन से भरपूर मिक्स वेजिटेबल वड़ी। नहीं, यम्मी टेस्टी है, क्रिस्पी भी है, चाय के साथ तो ये बेस्ट है। बस ट्राई रेसिपी।